दोस्तों आपका फिल्मी मीडिया चैनल में स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर की फिल्म छिछोरे के 20वें दिन के बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि छिछोरे का निर्देशन दंगल जैसी फिल्म बना चुके नितेश तिवारी ने किया है। फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर के अलावा वरुण शर्मा, प्रतीक बब्बर, ताहिर राज भसीन, नवीन पोली शेट्टी और नलनीश नील जैसे कलाकार हैं। समीक्षकों की तरफ से इस फिल्म को अच्छे रिस्पांस मिले हैं। समीक्षकों के साथ साथ दर्शकों ने भी इस फिल्म को गले लगाया है और यह फिल्म खूब पसंद की जा रही है, जिसके कारण यह फिल्म अभी भी दर्शकों को होल्ड करके रखी है। दोस्तों हम आपको बता दें कि फिल्म दंगल के निर्देशक नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म छिछोरे की बॉक्स ऑफिस पर कमाई का सिलसिला जारी है। अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म को सभी जगहों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। वैसे तो आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल से छिछोरे को कड़ी टक्कर मिल रही है। साथ ही इस शुक्रवार को 3 नई फिल्में सनी देओल के निर्देशन में बनी फिल्म पल पल दिल के पास, जिसमें उनके बेटे करण देओल डेब्यू कर रहे हैं। इसके साथ ही संजय दत्त की प्रस्थानम और सोनम कपूर की द जोया फैक्टर भी रिलीज हुई है, जिसके कारण छिछोरे के कलेक्शन में जरूर मामूली सी गिरावट देखने को मिली है। फिर भी इस फिल्म को देखने के लिए ही दर्शक थिएटर पहुंच रहे हैं। अगर फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने पहले वीक में 68.83 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि दूसरे वीक में 40.47 करोड़ रुपए कमाने में सफल रही। वहीं फिल्म अपने रिलीज के तीसरे शुक्रवार को यानी 15वें दिन 3.20 करोड़ रुपए, 16वें दिन 5.30 करोड़ रुपए, 17वें दिन यानी रविवार को 7.14 करोड़, 18वें दिन लगभग 2.30 करोड़ रुपए और 19वें दिन लगभग 2 करोड़ रुपए की कमाई की। दोस्तों वहीं अगर बात करें फिल्म के 20वें दिन के बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन के बारे में, तो ऑक्यूपेंसी देखकर लगता है कि छिछोरे 20वें दिन भी लगभग 1.80 करोड़ रुपए की कमाई करती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से छिछोरे का 20 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 131.33 करोड़ रुपए हो जाता है। अगर फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो छिछोरे की 20 दिन की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 179 करोड़ हो गई है। फिल्म के ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन 25 करोड़ रुपए रही है। अगर बात करें फिल्म के इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की, तो फिल्म की इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 154 करोड़ पहुंच गई है। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के करियर की दूसरी सबसे कामयाब फिल्म भी बन गई है। इसके साथ ही फिल्म को सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त रिएक्शन मिल रहे हैं और सभी वर्ग के लोगों को यह फिल्म पसंद आ रही है। इसी के चलते यह फिल्म अभी भी सिनेमा घरों में कब्जा किया हुआ है। इस फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी ने इसके पहले आमिर खान की सुपरहिट फिल्म दंगल बनाई थी। सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर की इस फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का भी बहुत लाभ मिला है। दर्शकों में फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बना हुआ है। दोस्तों यदि आपने इस मूवी को देखी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि यह फिल्म आपको कैसी लगी। साथ ही यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आप फिल्मी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's